अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों पंजाब पुलिस में बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से मर्द खौतें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अप्लाई किस तरह करनी है उसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, आप कितनी तलीम है सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में सर्च करना है एस जॉब्स। यहाँ सर्च बार में सर्च करना है एस जॉब्स। तो जैसे आप एस जॉब सर्च करेंगे पहले नंबर पर वेबसाइट शो हो जाएगी, उसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है एस जॉब वाली को, ठीक है। तो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस पर आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इस पर डेली की जो है आपको अपडेट मिलती रहती हैं जॉब्स की, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब है, ठीक है। इस तरह तमाम जॉब्स की अपडेट मिल जाती हैं, ठीक है। ये ओपन हो चुकी है तो यहाँ पहले नंबर पर यह पंजाब पुलिस SSA, ठीक है, जॉब्स है। ये देखें इस पोस्ट को आपने यहाँ से ओपन करना है। इस पर और भी आपको बहुत से नादरा की जॉब्स हैं, तमाम किस्म की आपको जॉब अपडेट मिल जाएंगी। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो इसकी आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो इस पोस्ट को ओपन करना है यहाँ से। तो ये पोस्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाती है। नीचे यहाँ आते हैं तो ये देखें कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है। उसके बाद ठीक है यहाँ पोस्ट डेट है, इस तरह ऑल ओवर लोकेशन है, ठीक है, तालीम है। उसके बाद यहाँ नीचे इसका एड्रेस है और यहाँ नीचे आते तो ये पोस्ट नेम लिखे हैं, ठीक है। सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की है, ठीक है, एक पोस्ट है। उसके बाद पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की है, ठीक है। इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन तालीम है। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो इसका एडवर्टाइजमेंट पेपर आपको यहाँ देखने मिल जाता है। इस पर भी आपको तमाम अज़ला के और जितने अज़ला हैं उसमें जितने भी सीटें हैं, ठीक है, ओपन मेरिट की हैं जो खवातीन कोटा है या ठीक है जो भी है, वो सब कुछ आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट पेपर पर मिल जाएगा। और इसकी जो यहाँ डिटेल है, ठीक है, बरा सेंट्रल स्टेशन असिस्टेंट की जो है अहलियत के है। उसके बाद बरा पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जो अहलियत है वो भी यहाँ उम्र लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद तलीम और तजर्बा भी साथ में लिखा हुआ है और तमाम डिटेल यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई किस तरह करनी है, आपने यहाँ नीचे आना तो यहाँ आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आपको PDF फाइल में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड करना है और अच्छे तरीके से फिल करना है। और फिल करने के बाद जो इन्होंने एड्रेस दिया है, ठीक है, उस पर सेंड करनी है। देखें ये इनका जो भर्ती फॉर्म है, इस पर आपने सबसे पहले यहाँ पासपोर्ट साइज तस्वीर देनी है, ठीक है। उसके बाद नाम असामी देना है, ठीक है। डोमिसाइल का ज़िला देना है, आप जिस ज़िले से भी हैं, ठीक है। उसके बाद कोटा की किस्म जो है, ठीक है, ओपन मेरिट खवातीन है, मजदूर है, जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। महकमा की तरफ से अप्लाई अगर है, ठीक है, वरना रहने दें, कोई मजदूरी है, ठीक है। उसके बाद ज़ाती इंदराज है, नाम लिखना है अपना, ठीक है। उसके बाद वालदी है तो मज़हब, इस तरह तमाम कुछ लिखने के बाद यहाँ तलीमी दस्तावेज़ात के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री और दीगर जो भी आपके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेशा वराना तजर्बा अगर है तो आपने दे देना है। उसके बाद हवाला जाते हैं, इस तरह तमाम ये नीचे फिल करना है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा है, इसको मुकम्मल फिल करने के बाद, ठीक है, आपने जो है पीछे आना है, इनको जो पता दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपने इस पते पर भेज देना है। तो आपने यहाँ देखें आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आया ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान दरख्वास्त फार्म पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, से डाउनलोड कर सकते हैं और पुरशुदा फार्म बमान अपनी तस्दीक शुदा असनाद के जो साथ मुतलका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आपने जमा कराया जा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके ज़िले की करीबी पुलिस लाइन है उसके उसमें जमा कराना, ठीक है। और दरख्वास्त के साथ इंट्री टेस्ट की जो फीस है, ठीक है, मुतलका 2000 रुपये, वो भी आपने जमा करवानी है, ठीक है। इसकी जो लास्ट तारीख है वो 24 अगस्त है, 24 अगस्त तक आप इसमें करा सकते हैं, ठीक है। 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, ठीक है। मुकर्रर तारीख के बाद किसी किस्म की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आपका मुकम्मल डिटेल भी की हुई, आपने ये भी देख लेनी है, ठीक है। तो इस पते पर आपने जो आपका नियरेस्ट जो होना पुलिस लाइन जो है उसमें आपने जो भी आपके करीब होगी ज़िले की उसमें आपने जो दरख्वास्त फार्म बाई हैंड जाकर जमा कराना है, ठीक है। और साथ में जो आपने तलीमी असनाद की फ़ोटो कापियाँ तस्दीक शुदा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने शिनाख्ती कार्ड की भी एक फ़ोटो कापी साथ में अटैच करके वो भी आपने साथ देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।